सीएसवी फाइल आज बताऊंगा, ठीक है। सीएसवी फाइल कैसे बनानी है उसको देखिए। एक्सेल में सीएसवी फाइल आप बना सकते हैं, पाइथन पे भी बना सकते हैं। एक्सेल ओपन करते हैं, एक मिनट के लिए एक्सेल ओपन कर लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए एक्सेल ओपन हो रहा है, इस पर कोई भी सीएसवी फाइल आप बना लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा नेम ऑफ प्रोडक्ट, नेम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ प्राइस आ जाएगी इसकी, और यहाँ यूनिट आ जाएगी इसकी, और यहाँ टोटल आ जाएगा इसका, ठीक है ना। इतनी चीजें करनी है हमें, ठीक है। प्रोडक्ट का नाम जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया कीबोर्ड, ठीक है, के ई बी ओ ए आर डी, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, एम ओ यू एस, एंटर किया। यहाँ मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, पी आर आई एन टी ई आर, ठीक है। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स के नाम मैंने लिख दिया। अब यहाँ प्राइस आ जाएगी, ठीक है। तो इस फॉर्मेट को मैं जरा चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ से जाके चेंज कर लेता हूँ फॉर्मेट इसका, तो ये फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। तो जैसे कीबोर्ड की प्राइस है 200 रुपए, ठीक है, माउस की प्राइस है 150 रुपए, एक की प्राइस है 150 रुपए, ठीक है। और यहाँ पे मॉनिटर की प्राइस मान लीजिए 6000 रुपए का एक है मॉनिटर, और प्रिंटर की प्राइस है 12000 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है सब कुछ, दिख रहा है। अब क्या करना है, यहाँ पे यूनिट कितना लिया, 4 लिया 3 लिया 2 लिया, ठीक है, यहाँ पे 5 लिया, जितना भी लिया हो वो यहाँ पे आप डाल दीजिएगा, ठीक है। टोटल कर लेते हैं, इज इक्वल टू सम, सम से टोटल होगा, नहीं इस बार तो मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट कीजिए और मल्टीप्लाई बाई 4 कर दीजिए, हो गया, एंटर कर दिया। अब चूंकि हम सीएसवी फाइल सीख रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, ये एक्सेल नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, एक्सेल में सीएसवी फाइल बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये फाइल पे जाइए, इसको सेव कर लीजिए आप, सेव किया जाए ना, डेस्कटॉप पे कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे नीचे जाएंगे तो आपको सीएसवी फाइल मिलेगा, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, ठीक है, कॉमा डिलिमिट, यही सीएसवी फाइल है, ठीक है। क्लिक कर दीजिए और इसको एक नाम दे देते हैं, जैसे मैं यहाँ पे नाम देता हूँ सूरज, ठीक है, सूरज, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे एआई का नाम है, ठीक है, चलिए तो टी कर देते हैं। तो ये हो गया, एक एआई हमने बनाया था तो उसका नाम रख दिया था प्रीति, ठीक है। तो अभी ये हो गया, यहाँ से सेव कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी सीएसवी फाइल सेव हो गई। अब इसको आप मिनिमाइज कर लीजिए, क्लोज कर लीजिए, जैसी इच्छा वैसी कर लीजिए। अब हम पाइथन पे आ जाते हैं, ठीक है। समझने वाली बात यहाँ पर है, अब जो मैं कोड बोलने वाला हूँ वो आपको लिखना है, ठीक है ना, चाहे मैं ही लिख देता हूँ, देखिए ध्यान से क्या लिखना है। यहाँ पर इम्पोर्ट कराना है सीएसवी, ठीक है, क्या कराना है, इम्पोर्ट। अच्छा, इम्पोर्ट कराने से पहले जान लीजिए कि आपको जो पांडास लाइब्रेरी है वो डाउनलोड होनी चाहिए आपके में, अगर नहीं डाउनलोड है तो नहीं कर पाएंगे। तो मेरे में ऑलरेडी है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इम्पोर्ट सीएसवी, क्या लिखेंगे, इम्पोर्ट पांडास लिखेंगे, सीएसवी नहीं लिखेंगे, इम्पोर्ट पांडास, पी ए एन डी ए एस, ठीक है ना, इम्पोर्ट पांडास, एज इसको पी डी सी डी 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 जो भी नाम देना चाहें, तो मैं यहाँ पी डी कर देता हूँ, ठीक है। तो ये पी डी नाम दे दिया, ठीक है ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, चलिए आगे देखते हैं। अब ये हो गया इम्पोर्ट पांडास एज पी डी, अब एंटर करिएगा। अब यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट हमें बनाना है, ठीक है, ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, ये ऑब्जेक्ट क्या है, तो इसमें बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, मैं बताता हूँ, वैसे वैसे फॉलो कीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाइए, जैसे मैं बना लेता हूँ माई अंडरस्कोर लगा लेता हूँ, एस टी आर कर लेता हूँ, इज इक्वल टू, इसमें हम क्या करेंगे, पी डी बनाया था ना, पी डी डॉट रीड करेंगे इसको, रीड रीड किया, और यहाँ पे क्या रीड करेंगे, सीएसबी फाइल को रीड करेंगे, तो यहाँ सीएसबी डाल दिया, ठीक है। और हमारे फाइल का क्या नाम है वो इसके अंदर आएगा, ये जो स्मॉल ब्रैकेट बनाया उसका नाम यहाँ पे आएगा, लेकिन नाम आने के पहले हमको ये भी देखना होगा कि हमारी फाइल गई कहाँ, तो डेस्कटॉप पे बनी होगी, ठीक है। तो ये हमारी फाइल है, देखिए नॉर्मल एक्सेल फाइल से कैसे ये डिफरेंट हो जाती है, देखिए ये नॉर्मल एक्सेल फाइल है आपकी, देख रहे हैं, और ये देखिए ये सीएसबी फाइल है, तो ये थोड़ा सा आपको देखने में भी अलग लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और राइट क्लिक करके इसका पाथ जो है आपको कॉपी करना है, तो यहाँ प्रॉपर्टीज पे जाना है, प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद क्या करना है, ये जो पाथ आपको दिख रहा है ये पाथ उठाइए, कॉपी कीजिए यहां से, और कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है, किसमें, इसी के अंदर पेस्ट करना है, ठीक है ना, लेकिन बहुत ध्यान से करना है, ठीक है ना, थोड़ा सा भी गलती की गुंजाइश नहीं है, कंट्रोल वी कर दिया। अब समस्या ये है कि आपके फाइल का नेम यहाँ पे नहीं दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पे फाइल का नेम दे देते हैं, क्या है हमारे फाइल का नाम, देखिए यहाँ पे दिया है suraj.csv, तो इसको हम एक काम करते हैं, राइट क्लिक करके इसका नाम ही हम कॉपी कर लेते हैं, ये नाम है इसी को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी कर लिया। अब चलेंगे कहाँ पे, यहाँ पे आएंगे अपने फाइल में, ठीक है, और इसको पेस्ट कर देंगे, ये पेस्ट कर दिया, और पेस्ट करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे हमें डबल इंटेड कॉमा में इसे रखना है, ये पूरा का पूरा डबल इंटेड कॉमा में रहेगा ये इस तरीके से, ठीक है। लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम क्या होती है ना, डबल इंटेड कॉमा में भी रखने पर ये एक्सेस नहीं कर पाता है उसको, ठीक है, तो इसके लिए जरूरत किस चीज की पड़ेगी, इसके लिए जरूरत इसकी पड़ेगी कि यहां पर आप डबल स्लैश लगा दीजिए, लगा दिया, यहां पर भी डबल स्लैश लगा दीजिएगा,
यहां पर भी डबल स्लैश लगा दीजिएगा, यहां पर भी डबल स्लैश लगा दीजिएगा, यहां पर भी डबल स्लैश लगा दीजिएगा, मतलब सब जगह आपको डबल स्लैश ही लगाना है, ठीक है ना। और ये लगाने के बाद अब हमको क्या करना है, अब हमारी पाइथन की फाइल जो है एक्सेस हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया था माई अंडरस्कोर str, इसी को हमको यहाँ पे लेके आना है। तो यहाँ पे लिखा मैंने माई और फिर यहाँ अंडरस्कोर लगाया, str कर दिया और इसको बंद किया, 5 किया, एंटर किया। चलिए अब इसको सेव करते हैं, किस नाम से सेव कर दूँ, यहाँ पे माई csv के नाम से सेव कर देता हूँ, mycsv.py, ये कर दिया, एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया, ये हो गया। जरा देखिएगा यहाँ पर कुछ दिख रहा है आपको, दिख गया क्या, दिख रहा है, वही चीज फेच होके आई है ना। थोड़ा सा इसमें देखिए, ये देखिए यहाँ पे जो है ये सब इस तरीके से आ गया है, लेकिन आपकी फाइल तो फेच हो गई है ना। फिलहाल तो आपको फेच करना ही सीखना था, फेच हो गई कि नहीं, फाइल फेच हो गई, ठीक है। तो समझ में आ गई बात, इसे कहते हैं csv फाइल, ठीक है। इसे आप पाइथन में बना भी सकते हैं, दूसरे फाइल से फेच भी करा सकते हैं, ठीक है ना।